हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा ड्रीम कैचर शेयर करने वाली हूँ जो कि हम पिकॉक फैदर से बनाएंगे और ये बहुत आसानी से हम घर पे भी बना सकते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह की ये वुडन रिंग है एम्ब्रॉयडरी की, वो ले रही हूँ। आप कोई और भी हुप ले सकते हैं। तो इसे मैं सेपरेट कर दूंगी, एक ही पार्ट इसका हम यूज़ करने वाले हैं। जनरली इसे लोग कलर भी करते हैं या धागे से रैप भी करते हैं, लेकिन मैं एज इट इज़ रख रही हूँ। वेब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पिकॉक ब्लू कलर का वुल लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, और क्योंकि मैं पिकॉक फैदर यूज़ करने वाली हूँ तो मैंने ये कलर लिया है। अब इसे हम इस पूरी हुप पर वेब बनाने के लिए इस धागे को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉट बांधेंगे, टाइट नॉट बांधनी है। आप चाहें तो नॉट खुले ना, इसके लिए आप इसे ग्लू से सिक्योर भी कर सकते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट नॉट के लिए इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर इसको थोड़ा स्ट्रेच करके यहाँ से इसे डालेंगे और इस तरीके से हम इसकी वीविंग शुरू करेंगे। वेब बनाने के लिए डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। जितना दूर दूर आप ये वीविंग करेंगे इतना ये खुला डिज़ाइन बनेगा, जितनी पास पास आप ये नॉट्स रखेंगे इतना भरा हुआ डिज़ाइन बनेगा। तो मैं यहाँ पर इतना स्पेस रख रही हूँ, ना ज़्यादा नज़दीक ना दूर। तो इस तरीके से हम वीविंग शुरू कर देंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें ले जाके ये सारी नॉट्स करनी है। सेम तरीके से हमें इसे रिपीट करते जाना है और पूरी रिंग पे हम फर्स्ट राउंड इस तरीके से कर देंगे। ज़्यादा इसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में बस जो नॉट हमने ली है पहले वाली नॉट को पकड़ के दूसरे वाली नॉट हमें लेनी है, तो वो इजीली एक जगह पे फिक्स होकर आपका परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस कम रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट लाइन शुरू करनी है। तो यहाँ से मैं इसे नीचे वाला जो ये धागा है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ फिर से मैं कंटिन्यूटी में इसको नॉट्स को बनाती जाऊँगी। ये मैं आपको बहुत ही बेसिक डिज़ाइन बता रही हूँ। लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस भी करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान और बेसिक तरीका है। तो ये आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से कंटिन्यूटी में हमें ये नॉट्स बनाते जाना है। बहुत ज़्यादा कस के नहीं करना है, ये आराम से बनाना है। ये लूज़ भी होगा तो चलेगा, क्योंकि लास्ट में जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो ये अपने आप एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन ले लेगा। तो आगे जाते जाते ये थोड़ा पैटर्न छोटा होता जाएगा, तो उसके लिए आप नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं धागे का दूसरा शेड ऐड करना चाहती हूँ जो कि ग्रीन कलर है, क्योंकि मैंने पिकॉक फैदर लिया है तो उसी से मिलते जुलते शेड्स का मैं ये वेब बनाना चाहती हूँ। तो आप अपने तरीके से अलग अलग कलर्स भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। दो से तीन कलर आप इजीली इसमें ऐड करेंगे तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसे मैंने इस तरीके से सिंपल सी डबल नॉट बांध दी है और अब सेम तरीके से हमें फिर से सेम वीविंग करनी है। अब देखिए पैटर्न और भी छोटा छोटा होता जा रहा है, तो आप चाहे तो इसके लिए नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। Thank you.
तो ये थ्रेड वेब हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, बस इसे लास्ट में आप कुछ खींच के इस तरीके से शेप दे सकते हैं। और इसे अब हम सिंपल सी नॉट बांध देंगे इस तरीके से। बेसिकली हमें धागे को लॉक कर देना है, तो आप कैसे भी इसे अच्छे से नॉट बांध सकते हैं यहाँ पे। और फाइनली इसे आप ग्लू से सिक्योर कर लीजिए, वाइट ग्लू से, तो ये सेफ हो जाएगा। तो ये हमारा वेब तैयार है। यहाँ पे भी ये धागा है, इसे मैंने कट कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन स्टोन्स ले रही हूँ, और इसके लिए मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें चाहे तो मोती भी डाल सकते हैं, तो वो थोड़ा अलग तरीका है, तो कभी मैं आपके साथ अगर आप चाहें तो वो भी शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये स्टोन से इसे डेकोरेट कर देंगे, तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और ये बहुत ही आसान तरीका है। मैंने एक छोटी रिंग और बनाई है, क्योंकि मुझे इसके साथ इसे अटैच करना है इस यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन वूल ली है इसको अटैच करने के लिए। तो ये हमें पहले देखना है कि ये स्ट्रेट है, और जितना साइज चाहिए इतना हम पहले कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ वुडन बीड्स लिए हैं, छोटे और बड़ी साइज़ में। आप कुछ कोई भी बीड यूज़ कर सकते हैं डेकोरेटिव जो आपके पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे इसे सिंपल सी नॉट बांधूंगी एक को दूसरे से अटैच करने के लिए। इस तरीके से हमें पहले चेक कर लेना है कि हमें इसे किस तरीके से लगाना है, तो ये एक लाइन में स्ट्रेट होना चाहिए। अब बीड्स डालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगा दूंगी वूल पे, ताकि ये शार्प हो जाए पॉइंट। और इसमें अब हम बीड्स भी रोएंगे। सबसे नीचे मैं थोड़ा बड़ा वाला मोती ले रही हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर छोटे छोटे 4 से 5 मोती मैं इसमें डालने वाली हूँ। बीड्स डालने के बाद अब मैं इसे इस रिंग से भी अटैच कर दूंगी। अच्छे से नॉट बांधनी है, और ग्लू लगा के मैं इसे सिक्योर भी कर दूंगी, जिससे कि नॉट खुलने का टेंशन ना रहे। तो अब मैं यहाँ पे पिकॉक फेदर्स ले रही हूँ। इसकी जगह बहुत अलग अलग कलरफुल फेदर्स भी लोग लेते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे पिकॉक फेदर्स ही यूज़ करने थे। तो उसे हम इस तरीके से अरेंज करके देखेंगे, सबसे पहले कि आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो ये इस तरीके से हम इसे अरेंज करने वाले हैं, और यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली कट कर लेंगे साइज। और इन पे मैं यहाँ पे ये ग्रीन वूल बांध रही हूँ। यहाँ पे भी हम नॉट लगा देंगे, और इसे कुछ इस तरीके से हमें रैप करना है अच्छे से नॉट लगाने के बाद में। और अब इसमें भी हम इस तरीके से ये बीड्स पिरोते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सारे फेदर्स तैयार करने हैं। तो मैंने ये करीब 5 फेदर्स तैयार कर दिए हैं, और इसे मैं इस तरीके से लगाने वाली हूँ।
और ये मैंने थोड़ा बड़ा फैदर बनाया है, इसकी लेंथ ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे इसे नीचे सेंटर में लगाना है। अब हम इसे अच्छे से बांध देंगे सबको जिस तरीके से हमने अरेंज किया है, और इन्हें ग्लू से हमें सिक्योर भी कर देना है जिससे कि ये निकलने का डर ना रहे। मैंने पांचों फैदर्स अटैच कर दिए हैं और ये मैंने हैंग करने के लिए इस तरीके से धागा तैयार किया है। इसे हम सिंपली यहाँ पे लगा देंगे और ये ब्यूटीफुल सा ड्रीम कैचर तैयार है। आप चाहे तो इसे अपने बेड के सिरहाने लगा सकते हैं या आप इसे ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑप्शन भी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इसी के साथ एक और नए और क्रिएटिव आइडिया के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।